न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कोतवाली थाना क्षेत्र में मिली युवक की लाश, तफ्तीश में जुटी पुलिस। एसपी सिटी ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार ने पुलिस टीम के साथ पटाखे के गोदाम पर मारा छापा, 3 करोड़ का अवैध पटाखा बरामद। एसपी नॉर्थ ने कहा गोदाम को सीज कर एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। राजस्व परिषद के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जिले के राजस्व वसूली की समीक्षा, बड़े बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पुलिस विभाग के विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की बैठक, आपसी सामंजस्य बैठाकर त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। कैंट थाना क्षेत्र से लापता मंदबुद्धि युवती को 24 घंटे के अंदर महिला थाना प्रभारी ने किया बरामद, किया परिजनों के हवाले। एमएसआई इंटर कॉलेज डेंगू का झेल रहा दंश, रसायन प्रवक्ता, चपरासी और 11 छात्र आए चपेट में। जांच करने पहुंची नगर निगम एवं डेंगू विशेषज्ञ की टीम, विद्यालय प्रशासन को भेजा जा सकता है नोटिस। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार को धर्मशाला टैक्सी स्टैंड पर आरटीओ ट्रैफिक विभाग और सिविल पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान, बिना परमिट के चल रहे ऑटो रिक्शा को किया शहर से बाहर, काटा चालान। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के 38वें दीक्षांत समारोह पर चैलेंजेस टू द आइडिया ऑफ भारत विषय पर व्याख्यान का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि द ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर ने कहा आइडिया ऑफ भारत एक जीवन दृष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व ने चलाया अभियान, कहा 22 अक्टूबर तक गोरखपुर विश्वविद्यालय होगा प्लास्टिक मुक्त जोन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत सप्ताह समारोह में ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरसेप्ट विषय पर किया गया व्याख्यान आयोजित। मुख्य अतिथि ने कहा प्रौद्योगिकी की प्रगति मनुष्य और मशीन की सीमाओं को कर रही धुंधला। राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय कला आचार प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। सीआरडीपीजी कॉलेज में विभिन्न स्कूलों के चित्रकारों ने लगाई अपनी कलाकृतियां। और आजाद हिंद चेतना मंच व विश्व के सबसे लंबा तिरंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित हुआ भारत के पहले शहीद कथा का आयोजन, किया गया दीपोत्सव, शहीद स्वर्ण मंदिर बनाने का लिया गया संकल्प।